पापी नाश्ता रेडी है। मैं भी मेरे भाई की बीवी तुम्हारी नहीं, ठीक है? कैसे तुम मोटर चलाते हो? क्या मतलब मेरा हक नहीं है? भाई ने ये नहीं बोला कि मुझे सुबह नाश्ता चाहिए था। मेरे की भी ठीक नहीं है, ठीक है ना? इसे मेरे नाश्ता वास्ता कुछ नहीं लाया, भाई से खाना है। अभी बाहर से कहाँ से करेंगे ना? आपको पता है मैं बाहर से नहीं खाना खाता, डॉक्टर ने मना किया है मुझे। हाँ तो ठीक है ना, बुढ़े हो तुमने शादी करवानी है तो अपने लिए कुछ ढूंढो, किसी को शादी वादी करो, घर बसाओ अपना, मेरी भी जान खलासी करो। सबसे पहली बात तो ये कि तुम्हें अकल नहीं है, तमीज ही नहीं रही जरा सी, मेरे वाशरूम में तुम क्यों आए हो यहाँ बिठाने के लिए? पापी मेरा वाशरूम का नल खराब हो गया और पता नहीं क्या उसमें पानी भी नहीं आ रहा सही से, इस वजह से मैंने जल्दी जाकर तुम्हारा यूज कर लिया ना। तुम दरवाजा में दस्तक दे के आते हो, मुंह उठाते हो, अंदर चले जाते हो। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, मुझे हर चीज तुम्हें समझानी पड़ेगी। सॉरी। हेलो बेटो। तेरा आ गया जल्दी। अच्छा यार मैं आपको एक बात कहनी थी। बोलो। आपके भाई के बारे में। हाँ मेरी बात ना संजीदा होकर सुनिएगा, तहमुल के साथ। मैं जानती हूँ आप उससे बहुत प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन मैं कुछ नोट किया है ये चीज़ें कि कुछ गलत एक्टिविटी उसकी हैं। बिना बताए कमरे में मेरे दाखिल हो जाता है। आज मेरे वो वॉशरूम यूज़ कर रहा था बगैर बताए, ठीक है, और उसने बहाना क्या लगाया जी उधर पानी नहीं आ रहा, जबकि मैंने वो जब चला गया मैंने उसको जाकर वॉशरूम चेक किया, उसका वॉशरूम में पानी आ रहा था, ठीक है। अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी होगी। मेरा छोटा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना उसकी ऐसी आते हैं। मैंने आपको बताना था, मैंने बता दिया। मैं अक्सर उसको खाना भी देने जाती हूँ तो वो घूर ही है, ऐसे घूर घूर के तुम्हें देखता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बाकी मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको पता होना चाहिए, कल को आप मुझे ये ना कहिएगा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। देखो मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, शायद तुम्हारी गलतफहमी हो। हो सकता है। अच्छा ठीक है मैं फिलहाल जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ थोड़ी देर में। ओके। दरवाजा साल लगा दीजिएगा, ठीक है, मैं लेट रही हूँ। सॉरी भाभी मैंने आपकी नींद खराब कर दी, वो मैं अपना चार्जर ढूंढ रहा था, मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा। तुम बिना वजह और बगैर दस्तक दिए तुम मेरे कमरे में दाखिल हो रहे हो और मुझे कह रहे हो कि कोई मसला नहीं है। नहीं भाभी आप गलत समझ रहे हैं, मैंने दस्तक दी थी लेकिन आपने शायद। तुम्हारे ये शोर से मेरी आंख खुल गई है, तुम्हारे दस्तक देने से मेरी आंख ना खुलती। सॉरी भाभी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना आजकल देख रही हूँ तुम्हारी हरकतें, समझ नहीं बात की, तुम्हारे भाई को मैंने सारी तुम्हारी हरकतें बताई हैं। लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो ये कैसी बात है, बिना इजाजत के तुम मेरे इस टाइम मेरे कमरे में खड़े हो, भूत आके तुम्हें उठा के ले आए हैं? नहीं वो तो मोबाइल मेरा ऑफ हो गया था, उसका चार्जर देखने आया था। तुम आगे से मेरी बकवास कर रहे हो कि मैं कैसे आ गया यहाँ पे? भाभी आप गलत समझो। ये क्या शो डाला हुआ भाई आधी रात को? भाई कुछ नहीं भाई आप बात सुनो। मैं सोई भी थी, समझ रही है, ठीक है, मैं आपको कहती थी ना, आपको सारी हाल हकीकत से मैंने जो है ना वो सारा बताया कि ये सब कुछ हो रहा है इस घर में, लेकिन आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता था। भाई ऐसा कुछ नहीं, वो असल में मेरा चार्जर गुम हो गया तो मैंने सोचा कि भाभी का चार्जर मेरे चार्जर एक ही लगता तो शायद उन्होंने उठाया होगा, और मैं बिना इजाजत के कमरे में दाखिल हो गया। मैंने वो दस्तक दी थी लेकिन भाभी ने सुना नहीं।
बिना इजाजत के मेरे कब्र चेक कर रहा है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा हमारे कमरे में, वो भी मेरे गैर मौजूदगी में, मकसद क्या है इधर कमरे में आने का? भाई मुझे नहीं पता था कि आप कमरे में नहीं है, सच में मुझे नहीं पता था। मुझे पता था तो मैंने नहीं आना था। बेबस तुम ना यहीं से इसी वक्त यहाँ से कमरे से बाहर हो जाओ, वरना मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतरी है अभी निकल जाओ यहाँ से कमरे से, जाओ। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, गलत कह रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ ना, जाओ जाओ यहाँ। भाई बात सुने। अरे बाबा जाओ ना, क्यों मेरा गुस्सा बढ़ा रहे हैं? बस इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने उसको कमरे से जाने के लिए कहा है, उसको हमने घर से क्यों नहीं निकाला? अरे बाबा दो तीन दिन सफर कर लो ना, मैं खुद ही उसे किसी तरीके से उसे भिजवा दूंगा वापस। बस ठीक है, तब तक कोई नया ये चांद चढ़ा देगा, ठीक है ना? इससे पहले कि कुछ और हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या करना है और इसके बारे में आप जल्द फैसला करो, या मैं इस घर में रहूंगी या आपका भाई इस घर में रहेगा। अच्छा ठीक है ना, तुम इतना वो हाइपर ना हो, ठीक है? जब मैंने कह दिया ना कि वो चला जाएगा तो वो चला जाएगा, मैं उसे खुद ही भिजवा दूंगा।